चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र राज्य का सर्वाधिक प्रदूषण से भरा जिला है। जनसुनवाई के मौके पर कलेक्टर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी, अल्ट्राटेक मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी के अधिकारी व ग्राम निवासी उपस्थित थे। विविध समस्याओं को लेकर 15 गांव के ग्राम निवासियों ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से आज अलग अल्ट्राटेक और मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी के स्टोन माइनिंग पर जनसुनवाई किया। जनसुनवाई के मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी, अल्ट्राटेक मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी के अधिकारी व ग्राम निवासी उपस्थित थे। चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र राज्य का सर्वाधिक प्रदूषण से भरा जिला है। इस जिले में सीमेंट कंपनी, केमिकल फैक्ट्रीज, बिजली निर्माण केंद्र तथा कोयला खदानों की भरमार है, जिसके चलते इस जिले में सर्वाधिक पॉल्यूशन होता नजर आता है। जिसमें आज चंद्रपुर जिले के अति दुर्गम माने जाने वाले जीवती तहसील के गढ़चांदूर की बात करें तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कंपनियों की वजह से पॉल्यूशन में बढ़ोतरी दिखाई देती है। इस पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से स्टोन माइन को लेकर जनसुनवाई की गई, जिसमें विविध समस्याओं को लेकर 15 गांव के ग्राम निवासियों ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई। क्षेत्र में हो रहे पॉल्यूशन तथा किसानों के हो रहे नुकसानों पर समाज सेवकों तथा जनहित में कार्य करने वाले लोगों ने कंपनी प्रशासन तथा जिला प्रशासन को घेरा और तत्काल इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उमेश तपासे के साथ मुंबई से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। पर्यावरण की जनसुनवाई थी, पर्यावरण की जनसुनवाई का हम रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, शासन उसके ऊपर योग्यता तो निर्णय करने के बाद में उनको जो कुछ भी यहाँ पे पुनर्वसन है और इतर जो यहाँ गांव वालों के जो प्रश्न है वो नियमों के आधारित वहाँ पे उनको उत्तर दिया जाए। मरका कुंडी अल्ट्राटेक प्रकल्प के ओर से जो प्रदूषण नियंत्रण महामंडल वो जिलाधिकारी साहब ने जनसुनवाई ली है, ये कायदे का उल्लंघन कर के लिए। कायदा बोलता है क्या यह रिपोर्ट चार्ज प्रचार करने के बावजूद भी दिया जाए, पर यह जो वन जमीन और किसानों की भूमि का उत्खनन होने वाला है, मेरा बड़ी राजा प्रदूषण में ग्रस्त होने वाला है और उसकी पेट की रोटी ये कंपनी चोरने वाली है और इनको जो मुबदला मिलने का है वो नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पोल्यूशन मिलने वाला है और जल पोल्यूशन मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था ये प्रकल्प का तीव्र विरोध करती है।